स्टार्ट। सो हाय गाइस, तो हेलो गाइस, कैसे आप। एक सलूशन आज मैं आपको फिर से देने वाला हूं। दोस्तों, अगर आपके हाथ में मीडियाटेक के बोर्ड आते हैं, या आपके पास में ओप्पो के ब्रांड हो गए, या वीवो हो गया, या साउमी के हो गए, अगर आपके मीडियाटेक के सीपीयू हैं और आपको नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको कैसे बनाना है। तो देखो, आपको बोर्डियो में तो कुछ ज़्यादा सलूशन मिलेगा नहीं, क्योंकि नेटवर्क को समझने के लिए आपको उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। पर मैं एक आपको सीधा सा सलूशन बता रहा हूँ, जो आपकी बीबैट है और आपकी जो ये वीपीए की लाइन होती है, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और वीपीए की लाइन मीडियाटेक के अंदर पावर आईसी से आती है। आइए मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर, आप नोटिस कीजिएगा, ये सलूशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, लाइक कर देना और कमेंट जरूर करना। देखिए दोस्तों, अगर आपके फोन के अंदर सिम आ रही है, अगर आपके फोन के अंदर सिम ओके है, और अगर आपके फोन के अंदर आपका बेसबैंड ओके है, ठीक है, तो ये दोनों चीज जैसी आपके फोन के अंदर अगर ओके है, और अगर आपके फोन के अंदर सिम और बेसबैंड के साथ में आपका रेडियो ऑन है, अगर आपको ये चेक करना है कि रेडियो ऑन कैसे चेक करते हैं, उसके लिए मैंने नीचे लिंक दी है, जिसमें अगर हैशटैग कोड काम नहीं करता वो भी आपको काम कर लेगा। और अगर आपका लिस्ट भी बन रही है, मतलब आप देखो क्या क्या आपकी सिम ओके है, बेसबैंड ओके है, रेडियो ऑन है, लिस्ट बन रही है, तो आप कुछ मत करना, नेटवर्क सेक्शन में आईसीओ को छेड़ना मत, सीधे जाना अपने 4GPFO पर। और 4GPFO के में जो 8 नंबर की पिन है, और जो 28, 29 और 30 नंबर की जो पिन है, या उसके साथ जो कैपेसिटर है, उन दोनों के GR लेना। आप सीधा यहां से उठाइएगा एक जम्पर, और यहां पर सीधा डायरेक्ट बाईपास कर देना। ये बाईपास है, जनरली क्या होता है, ये जो वोल्टेज है ये आपको यहां से इस एपी कॉल के थ्रू मिलते हैं, इसको बीपी एपी बोल रहा हूँ सॉरी बीपीए कॉल के थ्रू मिलते हैं, जिसको हम वोल्टेज फॉर पावर एम्पलीफायर बोलते हैं, क्योंकि 4G को नेटवर्क का पावर एम्पलीफायर बोला गया है। तो मीडियाटेक वोल्टेज को बना नहीं पाता है, इस रीजन से यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिलते हैं, और यहाँ पर ये नो सर्विस में रहता है सेट। अच्छा, इस टाइम पे नो सर्विस में रहने के टाइम पे बट आपका सिम ओके है, बेसबैंड ओके है, रेडियो ऑन रहेगा और लिस्ट बनेगा, बट आपका 28-29 वाले नंबर पे आपको कोई वोल्टेज दिखाई नहीं देगा। तो ये आपने डायरेक्ट जम्पर मारना है, और ये करके देखना, विश्वास करो ये आपके साइड 100% बनेगा। क्योंकि इसके बाद नहीं बन रहा है, तो नेटवर्क सेक्शन को समझने के लिए मेरे पास आइए, क्लास ज्वाइन कीजिए, मैं आपको नेटवर्क की वो गहराइयों तक ले जाऊंगा, जहां आपका वो नेटवर्क आप बनाएंगे जो दूसरे आपके दुकान वाले नहीं बना पाते हैं। तो क्योंकि हम आपको हर एक पैड की जानकारी देंगे, आपको हम आपके ट्रांस रिसीवर की जानकारी देंगे। और दोस्तों, मीडियाटेक के अंदर इसको WTR नहीं बोलते हैं, ये बहुत सारे जो टीचर हैं, जो इंडिया के अंदर बड़े व्यू और बड़े सब्सक्राइबर वाले, वो मतलब ये कह सकते हैं कि सही नॉलेज नहीं होने के बाद वो अपने स्टूडेंट को भी सही नॉलेज नहीं दे रहे, जस्ट बिकॉज एक कम फीस के कारण, एक कम फीस के कारण बच्चे उनके पास खिंच के चले जाते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों के साथ में फीस कम रखते हैं, और वो बच्चों को हर हाँ में हाँ मिलाकर बैच तो बुला लेते हैं पर पढ़ा नहीं पाते हैं। ठीक है, आईसी लेवल पे सिर्फ ये कर पाते हैं कि कुछ कमा पाओगे, या ये कर लेंगे कि भाई आपको CPU MMC लगा लोगे, क्योंकि हमें तो नहीं लगता, उनको खुद नहीं लगता है कि उनका बच्चा लगा लेता है, क्योंकि वो खुद खड़े होकर ये नहीं लगवाते हैं। सो मैं आपको बताना चाहूंगा, बेसिकली मीडियाटेक के अंदर इसको WTR नहीं बोलते हैं। WTR दोस्तों एक नाम है, एक कंपनी नेम बोल सकते हैं, इसको वायरलेस ट्रांसीवर कहा जाता है। मीडियाटेक के अंदर इसको RF कहते हैं, या RF कह लो, और RF नहीं कहना तो ट्रांस रिसीवर कह लो। सो ट्रांस रिसीवर कहना एक सही वर्ड होगा। तो ऐसे छोटे छोटे सोल्यूशन के लिए देखते रहो ऐसा टेलीकॉम, और कम फीस के लालच में मत आओ, कम फीस के लालच में जाकर एकाना एक्सपीरियंस लोगों से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मार्केट में रिसर्च करो, उनके स्टूडेंट से बात करो, एक नहीं दो नहीं दस, हमारे अगर स्टूडेंट से बात करना है तो हमें कॉल करो, हम आपको हमारे नंबर पे आपको हमारे स्टूडेंट के आपके शहर के आपके बगल के शहर के स्टूडेंट के नंबर देंगे, उनसे बात करो, उनसे राय लो, एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में आओ जहाँ अच्छा रहना अच्छा खाना आपको मिल जाए, एक ऐसी बड़ी टीम के पास आओ जिसके पास में हर एक क्वालिटी हो, ऐसा ना हो कि जिसमें MMC वाला या सॉफ्टवेयर वाले का आता पता ही नहीं है, कभी MMC वाला चेंज हो रहा है, कभी सॉफ्टवेयर वाला चेंज हो रहा है। ऐसा टेलीकॉम की जो टीम है वो एक बुनियादी है, आप हमें ज्वाइन करोगे एक अच्छा रिजल्ट पाओगे, और 2024 में 2025 में 26 में आओगे तो वही टीम पाओगे, साथ में अपडेट नॉलेज के साथ। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा ये वीडियो बताएगा जरूर।